नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज शाम के 5:20 के उपरांत आप सभी के जुनकाल में होने वाला है बहुत ही बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, यश में आपको संभलने की अत्यंत आवश्यकता है कि दोस्तों यश में आप बहुत ही बुरी तरह गुप्त दुश्मन के षड्यंत्र में फंसने वाले हैं, जो कि आपके पीठ पीछे ही आपकी बुराई करते हैं, जो कि आपको पिछले कश्मे से तबाह करने की कश्मे भी खा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो बातें हम आपको बताने वाले हैं ये 100% सत्य होंगी। अगर आप इन बातों को इग्नोर करेंगे तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि बने बनाया घर बिल्कुल ही उजड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपके घर को तबाह करके ही मानेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 24 घंटों का समय जो ग्रहों की स्थिति है आप सभी के जुनकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यश में अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो दोस्तों आप सभी का जीवन बिल्कुल ही अमर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपकी तमन्नाएं हैं, वे सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएंगी। परंतु दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो ही है जो कि आप सभी के जुनकाल में आपको सफलता की वह चाबी दिलाने वाला है। यानी कि दोस्तों, यह समय से आपको अपने जुनकाल में अब कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, साथ ही कौन कौन सी खुशखबरी आपको कौन कौन से क्षेत्रों में मिलने वाली हैं, कौन सी ऐसी गलती है जिन्हें अब आपको भूल कर भी नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप ये सारी बातें अंत तक वीडियो को देखकर जान गए तो दोस्तों आप सभी का जीवन बिल्कुल ही सूरज की तरह चमकने वाला है। खुद भगवान ब्रह्मदेव आप सभी के भाग्य को बदलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यश में शुक्ल नाम का शुभ योग बनने वाले हैं और ब्रह्म नाम का भी शुभ योग बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज शाम के 5:20 के उपरांत से आप सभी के जुनकाल में खुशियाँ ऐसी आएंगी कि दोस्तों आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बशर्ते आप सभी को बता दें कि कुछ महत्वपूर्ण बातों का आपको ध्यान यश में रखना अति आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को वह सच्चाई बताने वाले हैं जिनसे दोस्तों आप सभी का जीवन तो बदलेगा ही, साथ ही साथ खुशी के आंसू भी आएंगे। परंतु दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, वो दुख के दिन अब बीतने वाले हैं जिनमें आप पिछले कश्मे से चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि साक्षात ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से अब आप सभी के जीवन काल में नई खुशियाँ आने वाली है। जी दोस्तों, सभी के भाग्य को लिखने वाले ब्रह्मदेवता आज आपके भाग्य को अपने हाथों से लिखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की जो स्थिति है यह दर्शा रही है कि साक्षात ब्रह्मदेव का आशीर्वाद आप सभी के कुंडली में पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, शुक्ल योग के साथ ब्रह्म योग का निर्माण हो जाना दोस्तों यह दर्शाता है कि व्यक्ति का कर्म सबसे निस्वार्थ है। किसी के प्रति वह छल नहीं करता है, किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचता है, जिससे भी प्यार करता है, जिस पर भी भरोसा करता है, अपनी जान से भी ज़्यादा करता है। दोस्तों, ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति के ऊपर साक्षात ब्रह्मदेव ही अपना कलम चलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को बता दें कि आज शाम से आप सभी के जुनकाल में बड़ी बड़ी खुशियां आप सभी को मिलने वाली हैं, बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। दोस्तों, कौन कौन सी बड़ी खुशियाँ आप सभी को मिलेंगी, कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं, साथ ही कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बात है जिनमें आपको सावधान रहना भी बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए दोस्तों हम आप सभी से यह बात कहना चाहेंगे कि दोस्तों भूल कर भी आज के इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जीवन काल में व्यक्ति मेहनत बहुत ज़्यादा करता है। जी दोस्तों, मेहनत बहुत ज़्यादा करता है लेकिन फल नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, जो व्यक्ति मेहनत के साथ साथ सावधानियों को भी रखता है, उनके जीवन काल में उन्हें सफलताएँ उनके सोच से पहले ही मिल जाती है। तो दोस्तों, यश में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जो ग्रहों की स्थिति है इनमें अगर आप इन बातों का ध्यान रख लेंगे, इन सावधानियों को अपने अंदर रख लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आप सभी के जीवन काल में सफलताएँ आप सभी के कदम चूमेंगी। आप सभी का जो सम्मान है, आप सभी का जो पद है वो बढ़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें तो आज शाम के बाद आपको कुछ सरल उपाय को भी करना है। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपके ही जीवन काल से जुड़ा है, इनमें आपको ना ही 1 रुपया लगेगा, बस आपको अपने अंदर ही इन उपायों को करना है, अपने घर के ही अंदर इन उपायों को करना है, जो कि दोस्तों इस वीडियो में ही आपको बताने वाले हैं।
तो दोस्तों सर्वप्रथम आप सभी को बता दें कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाले हैं, आप सभी को आप सभी का जीवन को बदलने वाले साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम वीडियो को प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री ब्रह्मदेव के सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कीजिएगा और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री ब्रह्मदेव जरूर लिखिएगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री ब्रह्मदेव भाग्य लिखने के दाता दोस्तों आप सभी के भाग्य को बिल्कुल ही गठित कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, और चैनल पर भी अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, ताकि भगवान श्री ब्रह्मदेव का आशीर्वाद आप सभी को समय समय पर प्राप्त होता रहे। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों इसके उपरांत आप सभी को हम बताते हैं कि अश्विनी से आपको अपने जीवन काल में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी बड़ी बदलाव आप सभी के जीवन काल में अश्विनी होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात आप सभी को बता दें कि आपके जो भी पिछले समय के कार्य हैं, जो पिछले बहुत समय से रुके पड़े हैं, या फिर दोस्तों पिछले कई समय से आप जो कार्य करना चाह रहे थे और आप वह कार्य कर नहीं पा रहे थे, दोस्तों यह समय आ गया है जब आप उन कार्यों को कर पाएंगे और जो भी आपके कार्य रुके हुए थे दोस्तों वह कार्य इसमें पूरा होने वाले हैं। और दोस्तों इन्हें देखकर, इन्हें जानकर आप सभी को बहुत ही खुशियों की अनुभूति होने वाली है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि पहले कई समय से आप इन कार्यों में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी आप सभी का वह कार्य नहीं बना था। लेकिन दोस्तों देखिए कि ग्रहों की स्थिति ऐसी बन गई है कि आपका वह कार्य अब देखते ही देखते बनने वाला है और दोस्तों इन्हें देखकर आप बिल्कुल ही संतुष्ट होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको खुद पर बहुत ज़्यादा गर्व होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप जो भी कार्य करने वाले हैं वह कार्य आप सभी के सफल होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सफलता आप सभी के कदम चूमने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और आपको यश में खुद ही पता चल जाएगा कि ग्रहों की स्थिति आप सभी को पूरा पूरा सपोर्ट कर रही है। जी हाँ दोस्तों, यश में आपकी सोचने की क्षमता जो है वह बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो कार्य बिल्कुल ही व्यर्थ के कार्य हैं आप उन्हें भूल कर भी मत कीजिएगा। दोस्तों ये होते हैं कार्यों में विघ्न लाने का कार्य। जी हाँ दोस्तों, तो आपको साफ शब्दों में कहें कि दोस्तों कोई भी दो नंबर के कार्य आपको नहीं अपनाना है। जो कार्यों के कागजात आपके साथ है, आपके हाथ में है, जो कार्य सभी के सामने आप रख भी दें वह कार्य कोई गलत नहीं ठहरा सकता, ऐसा कार्य आप सभी को अब करना है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि यश में आप सभी के जीवन काल में जो भी व्यक्ति बिल्कुल ही असहाय हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ऐसी आर्थिक तंगियां हैं जो कि अपने जीवन काल में परेशानियों को झेल रहे हैं, दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपका वह परेशानियां दूर होने वाली है। धन की देवी माता लक्ष्मी आप सभी के घर आने वाली है। जी दोस्तों, यश में आप जो भी व्यवसाय के क्षेत्र में कार्य करेंगे या फिर नए कार्यों की शुरुआत करेंगे उनमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी और धन आपका वश में बढ़ने वाले हैं और वहीं श्री मां लक्ष्मी का वास आप सभी के घर में होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि यश में आप सभी के जीवन काल में जो बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं दोस्तों, देखकर आप सभी के होश भी उड़ने वाले हैं, घर परिवार में खुशियों का माहौल रहने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों जो भी लोग पिछले कई समय से अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, बहुत ज़्यादा निराश चल रहे थे, अपने पढ़ाई को क्षेत्र को लेकर या फिर अपने करियर के क्षेत्र को लेकर कोई भी क्षेत्र हो जिनमें आप बहुत ही निराश हुए थे, जहाँ पर आपको लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आपका हुआ कार्य धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं और वह कार्य आपका गति में आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। यश में भाग्य का पूरा पूरा आप सभी को सहयोग मिलने वाले हैं और ग्रहों की स्थिति जो बनी है आप सभी के जीवन काल में आपको लाभ के नए नए अवसर देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दोस्तों जो भी लोग पिछले कई समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे, जिनको अपने जीवन काल में नौकरी के लिए बहुत ही तड़पना पड़ रहा था, दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपका समय खत्म हो चुका है इंतजार का। दोस्तों समय आपके सहयोग में है, यश में आपको मनचाहा नौकरी मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज आपको अपना कठोर और मजाकिया दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, बेहतर होगा कि आप लोगों की भावनाओं से संबंध स्थापित करें और साथ ही साथ आप ये जानने की कोशिश करें कि वे क्या चाहते हैं और कौन सा रास्ता उन्होंने अपनाया है।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको समझना होगा कि चीज़ें कैसे कार्य कर रही है, बजाय कि आप अपना तरीका अपने सहकर्मियों पर थोपें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यश में आपके लिए जो समय है अपने प्रियतम के करीब आ पाना मुश्किल रहेगा। वास्तव में आप उनके काफ़ी करीब हैं, लेकिन अपनी अपरिपक्वता के चलते आप भावनाओं के बदले में उलझे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप यह चाहते हैं कि आप दोनों शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही स्तरों में और करीब आने से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लें और जान लें। और दोस्तों, इस भावनात्मक गुप्तगु के बाद आपके रिश्ते में काफ़ी मजबूती आने वाली है। एक प्रकार से कहें आप शिवी का जो रिश्ता है उनमें प्रगढ़ता आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसको भ्रांति हम आप शिवी को बता दें कि पिछले कुछ समय से आप जिन छोटी मोटी तकलीफ़ों से परेशान थे वे सब आज के दिन ठीक हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, वे अपने पीछे थकान की एक ऐसी फीलिंग छूट जाएगी जिसे उभरने में आपको कई दिन लग जाएंगे। दोस्तों, अधिक स्वास्थ्य कर जीवन शैली पर अपना फोकस करें, एक्सरसाइज करना शुरू करें और खाने में भी अधिक स्वास्थ्यकर विकल्प शामिल करें। दोस्तों, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होंगे। दोस्तों, अपने डाइट को आपको संतुलित रखना यश में बहुत ही आवश्यक है। स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए आपको घरेलू उपाय अपनाना चाहिए, ये आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि पिछले कुछ समय से आप जिन असंतुष्ट के दौर से गुजर रहे थे अंत में आप उससे बाहर आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसको भ्रांति हम आप सभी को बता दें कि यश में आप खुद ही यह सोच पाएंगे कि आपने जीवन में अपना उत्कृष्ट प्राप्त कर लिया है और दोस्तों अब अपने सपने पूरे करने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। आप यह भी समझ पाएंगे कि अपने काम और अपने सेहत दोनों को बेहतर बनाने के लिए कुछ बदलाव करना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको ग्रहों की स्थिति के कारण लाभ की बहुत सारी जो है रास्ते मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी आप कोई नए रास्ते पर जाए तो उनसे पहले आपको अपने अंदर कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, जो पहला बात है कि दोस्तों, किसी की बातों पर सबसे जल्दी भरोसा कर कोई भी कार्यों की शुरुआत आप ना करें। इनसे दोस्तों आप कार्यों में उलझ सकते हैं और जो भी आपने पेशे लगाए हैं वो पेशा आपका डूब सकता है। इसके उपरांत दूसरा जो बात है दोस्तों, जब भी आप नए कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं या फिर किसी व्यक्ति से वार्तालाप कर रहे हैं तो दोस्तों आपको अपने वाणी पर संयम रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, यश में ग्रहों के सितारे बता रहे हैं कि आप अपने क्रोध के कारण बहुत बड़े कार्य को अपने हाथों से गंवा सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि कुछ भी करके आपको अपने वाणी पर संयम बनाकर रखना है, क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। दोस्तों, अगर आप ये कर लेते हैं तो आप शिवी को बता दें कि सफलता आप शिवी के कदम सुमेंगी। चाहे कोई भी शत्रु हो जो आपको परेशान करना चाहे, जो आपको हमेशा पराजय करना चाहते हैं, दोस्तों वो भी पराजय नहीं कर पाएंगे। बस आपको क्या करना है कि जब भी आपको कार्य की शुरुआत करना है, बस उन्हें जांच परख करना है वो आपके लिए सही है गलत है, इन सभी बातों का ध्यान रखना है। और दोस्तों, आपको अपने कार्यों पर आगे बढ़ जाना है। जी दोस्तों, बस आपको खुद पर विश्वास रख के आगे बढ़ना है, किसी के भरोसे आप कोई भी कार्य ना करें। ध्यान दें इस बात का। इसके उपरांत दोस्तों, किसी के साथ मिलकर कोई भी कार्यों की आरंभ ना करें, ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। भविष्य में इनसे आप सभी के रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत दोस्तों, हम आप सभी को यह बात बताना चाहेंगे कि ग्रहों की स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी है। जी हाँ दोस्तों, जिनमें आपको लाभ के साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसके उपरांत हम लोग अपने जीवन काल में क्या करते हैं कि जब ग्रहों की स्थिति अच्छी होती है, जब हमें लाभ मिलने लगते हैं, तो बहुत ही आलस्य अपने जीवन काल में आ जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि अपने जीवन काल में आपको अब एक्टिव रहना है। जी दोस्तों, किसी भी कार्य को लेकर आपको अपने अंदर आलस्य को नहीं आने देना है। जी दोस्तों, और घर के माहौल को आपको थोड़ा सा सुधार कर रखना है। जी दोस्तों, आप शिवी को बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन काल में धन अच्छी आती है, पेशे अच्छे आते हैं, लाभ बहुत ही अच्छे आते हैं और दिनों पर दिन उनका व्यापार बढ़ता रहता है। लेकिन दोस्तों, वे अपने घर में कुछ ऐसे कार्य कर देती हैं
जिनके कारण उनके घर में पेशे तो आते हैं, धन तो आते हैं, लेकिन वह पेशा टिक नहीं पाता है। और दोस्तों वे बहुत जगह जाकर पता करता है, बहुत गुणी बहुत जानगुरु से भी पूछता है कि आखिर हमारे जीवन काल में ऐसी क्रिया क्यों हो रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि उन्हें समझ नहीं आता है कि अक्सर आप सभी अपने जीवन काल में क्या गलती कर रहे हैं। वो लोग अक्सर आप सभी को बता देते हैं कि कोई लोग आपके पीछे लगा है या फिर कोई ऐसा शक्ति है जो कि आपके पीछे लगा है, पूरी आत्माएं आपके पीछे लगा है। लेकिन दोस्तों ईश्वर कहते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप अपने घर के कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके घर में धन कितना भी आ जाए लेकिन धन नहीं टिकता है, या फिर धन अगर आ भी रहे हैं तो धन आने के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए अपने जीवन काल में अब? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ग्रहों की बहुत ही अच्छी स्थिति है और ऐसी स्थिति में अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन काल में जो भी धन आप शिविर को प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों वे धन आप शिविर के जीवन काल से भी खत्म हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको बातों को बिल्कुल ही ध्यान से सुनना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन बातों को ध्यान से सुनेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आप शिविर के जीवन काल में जो भी परेशानियाँ हैं, धन को लेकर हो या फिर किसी भी क्षेत्र को लेकर हो, ग्रहों की स्थिति चाहे आपकी खराब हो गई हो, दोस्तों सभी का उपाय बस आपको अपने घर के ही अंदर मिलने वाला है। जी दोस्तों, दोस्तों आप सभी को बता दें कि वास्तु शास्त्र में घर को मंदिर कहा जाता है। जी दोस्तों, जिस घर में हम लोग रहते हैं, जिस घर में विराजमान करते हैं, उस घर को मंदिर कहा जाता है। इसलिए मंदिर में क्या होता है कि साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए। जी दोस्तों, इसलिए अब आपको क्या करना है कि अपने घर में साफ सफाई का आपको ध्यान रखना है। घर में कहीं भी कूड़ा ना रहना चाहिए, कहीं भी कचरा या फिर कहीं भी जूठा नहीं रहना चाहिए। दोस्तों इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अगर आप अपने घर के गृहलक्ष्मी हैं तो आपको इन बातों का अपने जीवन काल में ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक है कि दोस्तों जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में ऐसी क्रिया करते हैं उनके जीवन काल में राहु का दृष्टि पड़ जाता है, और ग्रहों के में जिनका भी राहु खराब हो जाए तो दोस्तों विघ्न बाधाएं उनके जीवन काल में ऐसी आते हैं कि व्यक्ति सोच भी नहीं पाता है। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखना है। इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जिस बर्तन से घर के लोग पानी पीते हैं उसमें से एक लोटा पानी लेकर घर के चारों कोनों में और मकान के बीच बीच थोड़ा सा छिड़क दें। ये उपाय रात 12 से 3 में करना है। जी दोस्तों, 12 से 3 बजे के बीच में आपको करना है, वो भी रात की। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इससे क्या होगा कि आपके घर में जो भी दुर्भाग्य है वह दुर्भाग्य दूर हो जाएगा और नकारात्मक शक्तियां आपके घर में जो वास कर रही है उनसे आप सभी को मुक्ति मिलेगी और हमेशा ईश्वर आप सभी के घर में विराजमान करेंगे। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि ईश्वर हमारे जीवन काल से रुष्ट नहीं होते हैं, वे हमसे बहुत ही प्रेम करते हैं, वे हमारे ही साथ रहना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी कारण होती है जिनके कारण ईश्वर ही हमसे रुष्ट हो जाते हैं। जी दोस्तों, ईश्वर हमारे जीवन काल में एक ऊर्जा एक शक्ति की तरह रहते हैं। जी दोस्तों, एक प्रकार से कहें वह सकारात्मक ऊर्जा है जो कि हमारे घर में वास करते हैं। जी दोस्तों, अगर हम गलत क्रियाएं करने लगते हैं तो दोस्तों नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में बढ़ने लगती है, जिनके कारण दोस्तों सकारात्मक ऊर्जा जो है वह धीरे धीरे गायब होने लगती है। और दोस्तों यही कारण है कि ईश्वर हमारे जीवन काल से दूर हो जाते हैं। जी दोस्तों, इसलिए अब क्या करना है कि घर में आपको उस बातों का ध्यान अवश्य रखना है। जी दोस्तों, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, जो बहुत ही तेज बुखार हो जाए या फिर कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, तो आपको क्या करना है कि बीमार व्यक्ति को अमावस्या की रात उसके तकिए के नीचे एक सिक्के रख दें। जी दोस्तों, बाद में वह सिक्का शमशान घाट में जाकर फेंक दें। दोस्तों ये उपाय आपको ज़रूरी करना है। दोस्तों घर में व्यक्ति का बीमार हो जाना दोस्तों यह दर्शाता है कि घर में नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा हावी हो गई है। तो दोस्तों आपको ये क्रिया अवश्य करना है। जी दोस्तों, इसको प्रांति दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों अमावस्या तिथि पर मछलियों के लिए आटे की गोलियां बनाकर तालाब में डालें। दोस्तों ऐसा करने से आपका जो दुर्भाग्य है वह सौभाग्य में बदल जाएंगे और धन की जो आवक आपके घर में रुक गई है, जो बरकत होना आप सभी के घर में रुक गया है, दोस्तों वह बरकत होना शुरू हो जाएगा और आप सभी के घर में खुशियों का माहौल बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखना दोस्तों अपने जीवन काल में बहुत ही आवश्यक है। जी दोस्तों, जो भी व्यक्ति वास्तु शास्त्र के हिसाब से सही चलते हैं
दोस्तों उनके जुनकाल में ना ही कर्ज की समस्या होती है, ना ही उनके जुनकाल में रोग, ना ही विघ्न और ना ही किसी प्रकार की ऐसी समस्याएं होती है जिनसे वह परेशान होते हैं। दोस्तों वह हमेशा ईश्वर के भक्ति में लीन रहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बस अपने जुनकाल में इन बातों का ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, इसको उपरांत दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपको अपने घर में कुछ और भी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। जी दोस्तों आप सभी को बता दें, जैसे कि दोस्तों प्रतिदिन सवेरे थोड़ा सा दूध और पानी मिलाकर मुख द्वार के दोनों ओर डालें। इनसे दोस्तों आप सभी के घर में सुख शांति रहेगी। इसको उपरांत जब भी आप अपने घर में पोंछा लगाते हैं तो अपने पानी में थोड़ा सा छोटा सा नमक मिलाकर, जी हाँ दोस्तों शेंगा नमक भी आप मिला सकते हैं जो समुद्री नमक होता है, जी हाँ दोस्तों उन्हें मिलाकर घर में पहुंचा करें। इनसे मानसिक शांति प्राप्त होगी और जो भी आपके मस्तिष्क में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो नकारात्मक बातें हैं, वे सभी समाप्त होंगी। इसको प्रांति दोस्तों अगर तवे पर रोटी सेकने से पहले दूध की छींटे मारें, जी हाँ दोस्तों इनसे जो भी बीमारी का प्रकोप है आपके घर में वह कम हो जाएगा। तो दोस्तों प्रतिदिन आपको ये करना है। जी हाँ दोस्तों, इसको प्रांति प्रत्येक गुरुवार को तुलसी के पौधे में थोड़ा सा दूध चढ़ाने से माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास होता है। जी हाँ दोस्तों, इसको प्रांति हम आप सभी को बता दें कि घर के जो मुख्य द्वार हैं, जो पर्दे रहते हैं, उनके नीचे कुछ घुंघरू बांध दें। दोस्तों इसे इसके जो भी संगीत आपके घर में बजेंगी वह प्रसन्नता का वातावरण बनाएगा। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें। और इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि जब भी आप रोटी बनाते हैं तो पहला रोटी गाय को दीजिएगा और दूसरा रोटी कुत्ते को, और दोस्तों तीसरी रोटी छत पर पक्षियों को डालें। इससे दोस्तों आपके जो भी पितृदोष हैं उनसे मुक्ति मिलेंगी और दोस्तों आप सभी के जुनकाल में खुशियाँ और जो भी शांति है, जो वृद्धि है, वे सभी वास करने वाले हैं। ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद आप सभी के जीवन काल में रहने वाले हैं। दोस्तों ये कुछ मुख्य बातें थी जो आपको अपने घर में, अपने परिवार में सभी को बताना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इनसे आप सभी के जुनकाल में कोई भी समस्याएँ नहीं आएंगी और दोस्तों इनसे आप सभी का परिवार बिल्कुल ही संपन्न रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।